पहला क्वेश्चन क्या देखते हैं, झारखंड की प्रथम महिला अंतरराष्ट्रीय अंपायर कौन है। तो झारखंड की प्रथम महिला अंपायर जो है आश्रिता लकड़ा है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का वह प्रथम व्यक्ति जिसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था, रणधीर वर्मा। तीसरा क्वेश्चन, झारखंड प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति कब बना, वर्ष 2011 में। चौथा नंबर, झारखंड महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन है, लक्ष्मी सिंह झारखंड महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। पांचवा नंबर, झारखंड में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना कब लागू किया गया, अप्रैल 2017 को। छठा क्वेश्चन, संजीवनी योजना का उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण करना, स्वयं सहायता समूहों को सुदृढ़ करना एवं आजीविका के साधनों को उपलब्ध करना, ये तीनों उनका लक्ष्य है संजीवनी योजना का। तो आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आठवां है, रांची जिला ताना भगत पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ, वर्ष 1948 को। आठवां नंबर, ताना भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था, उराव जनजाति से। नौवां नंबर, बिरसा मुंडा पेशे से क्या थे, बुनकर थे। दसवां नंबर, ताना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, ताना भगत जो आंदोलन हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता जतरा उराव थे। ठीक है, देखिए उराव यहां पे। चलिए, चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, चेरो विद्रोह का नेतृत्व भूखन सिंह ने किया था। अब देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन था ताना भगत आंदोलन, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है बुद्धू भगत जो थे, किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, इसका आप कमेंट में जवाब दीजिए। ठीक है, बुद्धू भगत ने कौन से विद्रोह या फिर आंदोलन का नेतृत्व किया था, बुद्धू भगत ने, बताना है आपको। चलिए 12 नंबर, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी, वर्ष 1967 में हुई थी अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना। चलिए 13 नंबर क्या देखते हैं, झारखंड में जौ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। तो पलामू जिला जो है जौ का सर्वाधिक उत्पादन करता है। 14 नंबर, 5 से 8 गांवों के मांझियों को कहते हैं मोड़े या देश मांझी कहते हैं। 15 नंबर, मुख्यमंत्री जनमन योजना क्या है, निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना जनमन योजना है। अगर आप अपनी भूमि पे, आपकी निजी भूमि है, 1 एकड़ से अधिक भूमि है, तो आप अपनी जमीन पे आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं, वहां सरकार आपको कुछ राशि, उसका एक जो नियत राशि है वो आपको भुगतान करेगी सरकार, टाइमली कुछ टाइम फ्रेम है उसका, आप देखिए उसका जनमन योजना के बारे में। ठीक है, 16 नंबर, झारखंड का सबसे लोकप्रिय सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा है, बांसुरी जो है झारखंड का सबसे लोकप्रिय सुशिर वाद्य यंत्र है। ये सुशिर वाद्य यंत्र क्या होता है, जिसे फूंक कर बजाया जाता है। ठीक है, 17 नंबर, टुसु पर्व किस दिन मनाया जाता है, टुसु पर्व जो है मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। 18 नंबर, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, बिरसा मुंडा का जन्म वर्ष 1875 ईस्वी में हुआ था। 19 नंबर, हैरो तथा नोम नामा लोकगीत का संबंध किस से है, हो जनजाति से है। 20वां नंबर, राजपूतानी शान वर्ष 1906 ईस्वी की रचना किसने की है, रामचित सिंह बल्लभ ने राजपूतानी शान की रचना की है। 21 नंबर, झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला नाटक किसे माना जाता है, ग्रह का फेर, झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला नाटक ग्रह का फेर को माना जाता है। 22 नंबर, पंच परगनिया साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है, विनोद कवि को पंच परगनिया साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। 23 नंबर, झारखंड के प्रथम पीढ़ी के कहानीकार किसे माना जाता है, वैद्यनाथ पोद्दार को झारखंड के प्रथम पीढ़ी के कहानीकार के रूप में जाना जाता है या माना जाता है। 24 नंबर, मोतीझरा जलप्रपात झारखंड के किस प्रमंडल में, मोतीझरा जलप्रपात जो है
राजमहल जिले में है और राजमहल जो है संथाल परगना का हिस्सा है। तो आंसर हो जाएगा सी संथाल परगना। 25 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन, रांची एवं झारखंड पठार को निम्नलिखित में से कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? तो ये दामोदर नदी है जो रांची एवं हजारीबाग पठार को दो भागों में बांटती है। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हमने 25 क्वेश्चन किया, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आपको क्या करना है, ये जो लाइक है ना इसको लाइक कर देना है और शेयर कर देना है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।